जिन्हें पूरे राज्य में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 95% है। और वाणिज्य संकाय में सुश्री सौम्या शर्मा और श्री रजनीश कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इन्हें भी 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों के 95% है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने लगातार पांचवी वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है और इसमें कई प्रकारों के नए प्रयोग और परिणाम भी बिहार बोर्ड द्वारा इस वर्ष लागू किए गए हैं, जिसमें सभी विषयों की इंडिविजुअल कॉपीज, फोटो और उनके विवरणी के साथ मुद्रित कराई गई थी। सभी कॉपियों का मूल्यांकन हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था, ऑनलाइन तरीके से अंकों की प्रविष्टि की गई थी। कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स और ऐसे फॉर्म्स डिजाइन किए गए थे जो पूरे देश में पहली बार बिहार बोर्ड डिजाइन किए, और उन सभी कंप्यूटराइज फॉर्मेट्स को तैयार कर उसको स्कैनर के माध्यम से स्कैनिंग कराई गई और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जो पहले की तुलना में 16 गुना अधिक तेज सॉफ्टवेयर बनाया गया। और इन सबों का यह परिणाम है कि लगातार पांचवें वर्ष बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में मार्च माह में ही परीक्षा फल लागू किया है, जारी किया है। इसके साथ साथ अन्य सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, जिसमें कि पूरी तरह कदाचार रहित रूप से पक्ष परीक्षा राज्य में संचालित की गई और उसके साथ साथ सभी पत्रों के 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार कराए गए थे। मॉडल केंद्रों की भी स्थापना की गई थी प्रत्येक विद्यालय में 4, और इसके साथ साथ अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं फ्रिस्किंग से लेकर अंधेरों प्रवेश, उसके अलावा इस वर्ष पहली बार बीएससीबी यूनिक कोड सभी परीक्षार्थियों को इंटर की परीक्षा से शुरू किया गया, और यह एक ऐसा कोड है जो उसी विद्यार्थी के साथ पूरी जिंदगी भर यूनिक आईडी के रूप में रहेगा। इसके साथ साथ ही ऐसे कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है परीक्षाओं में, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज इस परीक्षा फल को जारी किया और माननीय मंत्री महोदय का सहयोग और मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार इस पूरी प्रक्रिया में मिलता रहा है, जिसके कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन सभी कार्यों को बेहतर रूप से संचालित करने की कार्रवाई की है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इन सभी पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया है, जिसके लिए मैं एक बार पुनः उनके प्रति धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर और जो भी परीक्षार्थी इस वर्ष टॉप 6 स्थानों को प्राप्त किए, उनमें फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले तीनों संकायों के तीनों विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ईबुक रीडर प्रदान किया जाएगा, और तीनों संकायों के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को 75,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ईबुक रीडर दिया जाएगा, और तीनों संकायों में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 50,000 रुपए, उसके साथ साथ 1-1 लैपटॉप और 1-1 किंडल ईबुक रीडर दिया जाएगा। इसके अलावा 4th, 5th और 6th ये तीनों स्थान प्राप्त करने वाले को परीक्षार्थियों को 15,000 रुपए और 1-1 लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। मैं इन सभी व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी का भी हार्दिक भाव के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनका समेकित मार्गदर्शन हम लोग लगातार पूरी व्यवस्था में और पूरी प्रक्रिया में प्राप्त होता रहता है, जिसके चलते इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया। कई बार वीसी का आयोजन भी सर के नेतृत्व में हुआ। इन सारी व्यवस्थाओं से इस परीक्षा के मूल्यांकन और आयोजन में काफी सुधार मिले, आपके प्रतिनिधि सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा पहले अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वे कृपया इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करें।
धन्यवाद। सबसे पहले बिहार बोर्ड को धन्यवाद जिन्होंने समय पर देश में सबसे पहले अपना रिजल्ट दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार की ओर से सभी लड़कियां जो अविवाहित हैं और जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन सभी को 25,000 रुपये की राशि मुफ्त दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। उनके निर्देश के आलोक में 3 अप्रैल सोमवार से लोग ये पोर्टल ओपन कर देंगे, जिसमें ये लड़कियां अपना आवेदन कर सकेंगी। रिजल्ट उनका रहेगा, वही लड़कियाँ आवेदन करेंगी और अपनी अन्य जानकारियाँ भरेंगी। अगली बार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं बिहार बोर्ड के साथ मिलकर कि उन लड़कियों की जो बाकी जानकारी है, जो अभी उनको भरनी पड़ती है, जैसे बैंक अकाउंट इत्यादि, वो उनसे परीक्षा का फॉर्म भरवाते समय ही ले लिया जाए, ताकि हमें फिर से फॉर्म भरवाने की जरूरत न पड़े। और जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित होता है, हम ये 25,000 रुपये की राशि जो एक मुश्त दी जाती है, वो राशि हम उन्हें दे सकें। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग और बोर्ड मिलकर इसमें जो टॉप लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनके मेंटरिंग का भी कार्यक्रम करेंगे, ताकि उनको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आज के हमारे मुख्य अतिथि और आज परीक्षा फल परिणाम की घोषणा करने वाले हमारे माननीय मंत्री महोदय से, वे कृपया इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। इस अवसर पर मैं बिहार के तमाम बच्चे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, प्रथम श्रेणी लाए हैं और अच्छा अंक लेके पास किए हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और उनके पेरेंट को, माता पिता को भी बहुत बधाई, बिहार वासियों को बधाई। बिहार की महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं और इंटर काउंसिल या मैट्रिक बोर्ड, कुछ भी कहूं, आज तो मैट्रिक का रिजल्ट नहीं है, इंटर का है, जो इतना कम समय में पूरी प्रक्रिया मात्र 39 डेज में पूरी हो गई। और इसके लिए मैं दीपक बाबू को, आनंद किशोर जी को और पूरी इंटर काउंसिल फैमिली को और इस शिक्षा और महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्लस टू के शिक्षकों को, गुरुजनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस अवसर पर यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपने देखा रिजल्ट कि बच्चियां जो संकल्प है सरकार का, विमेन इंपावरमेंट का, नीतीश बाबू का सपना है, बच्चियां हर क्षेत्र में लगभग आगे है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। इसलिए बच्चों के माता पिता को विशेष रूप से बधाई और आप बिहार का नाम रोशन करें तो भारत का नाम रोशन होगा। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों, विकास से जुड़े हुए लोग हों, सभी से एक अनुरोध कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अगर देंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा भारत विश्वगुरु था तो विश्वगुरु का स्थान फिर प्राप्त नहीं करेगा। मैं विशेष रूप से इंटर काउंसिल परिवार के जो आनंद किशोर जी इसको देख रहे हैं, और आप देखा कि पिछले 5 साल से बिहार रिजल्ट के मामले में पूरे देश में रिजल्ट देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान प्राप्त करना ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है, उपलब्धि का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है हम लोग के। और
हमारे इंटर काउंसिल बोर्ड के परिवार को, चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसके लिए भी मैं संपूर्ण परिवार को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। आप देखें कि 3.55% 2022 की अपेक्षा अभी हमारे बच्चे इसमें पास किए हैं ज्यादा, 80.15 था, इस बार 83.70 है, तो डिफरेंस 3.55 का है। मैं उम्मीद करता हूं यह उत्साहजनक वृद्धि है बच्चों के मेरिट में, और आने वाले समय में और भी हमारे बच्चे बैकअप करेंगे, कवरअप करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का भी साधुवाद करता हूं कि सैकड़ों के संख्या में आप लोग यहां हैं और इसको कवर कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहते हुए कि बिहार ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा है, ये हमारी विरासत है। बिहार गणतंत्र के क्षेत्र में दुनिया में पहला देश और राज्य बना है, राज बिहार है तब तो भारत है, उसी में भारत है, उसी में बिहार है। तो ज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, आप सभी को यह जानते हुए बिहारवासियों को अपार खुशी होगी कि प्रशासन के क्षेत्र में ही नजीर बिहारी बना है मौज काम के चले से। अहिंसा की भूमि कही जाती है अगर भारत, तो उसका गौरव भी बिहार को प्राप्त है। गलित का बोध अगर दुनिया को हुआ है तो आज भट हमारे पुरखे जो इसी धरती के हैं, बिहार की धरती के, भारतवर्ष के गौरव के रूप में दुनिया में प्रस्थापित हैं। तो शून्य का ज्ञान अगर आधार साहब न देते तो दुनिया को गलित का बोध नहीं होता। तो हिंसा की भूमि, ज्ञान की भूमि, गणित की भूमि, प्रशासन की भूमि और गणतंत्र की भूमि। गणतंत्र की भूमि आप सभी को पता है कि वैशाली लिच्छवी स्टेट, मतलब बिहार हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो देश के गौरव बनाने में, विरासत में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। हम उसे गौरव को प्राप्त करें और हम सभी लोग बिहारवासी और देशवासी सर्वश्रेष्ठ जीवन का करने का प्रयास करें तो जरूर से उपलब्धि हासिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत साधुवाद।